हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये है चौरी ग्राम के पास में पड़ने वाले सिहोरा माल गांव की, जहां पर भगवान शिव जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और यहां का जो व्लॉग हमने बनाया है इसके निर्माण कार्य को लेकर हमने चर्चा की है। दोस्तों, ये जो मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जबलपुर के कचनार सिटी से, जो कि 76 फीट की है, लेकिन अब छिंदवाड़ा में साहू परिवार द्वारा छिंदवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पे भगवान शिव की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 81 फीट है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची और आकर्षक शिव प्रतिमा के रूप में जानी जाएगी। वर्तमान समय में 4 एकड़ क्षेत्र में है साहू परिवार के द्वारा भव्य परिसर में रामेश्वरम पूजा धाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और इसका कार्य अभी भी जारी है, जिसके दर्शन प्रदेशवासी इसी सावन से कर पाएंगे। यहाँ पे मंदिर के अंदर जाने के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं और तालाब का निर्माण भी किया गया है, जो कि अभी अधूरा है। और अंदर से आप देख सकते हैं पूरा ग्रेनाइट वगैरह लगा है। इसे कंप्लीट होने पर आप कमेंट कीजिएगा, हम एक और वीडियो बना देंगे, जो कि कुछ दिन या कुछ महीने बाद ये कंप्लीट होने वाला है। आप छिंदवाड़े से सिवनी की ओर जाएंगे या फिर सिवनी से छिंदवाड़े की ओर आएंगे तो यहाँ मंदिर आपको रोड के किनारे में मिल जाएगा। यदि आप ट्रेन से भी आएंगे तो ट्रेन से भी यहाँ मंदिर दिख जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में बना हुआ है। और इसके बाजू से एक नहर गई है जो कि माचोपुरा डैम से निकली हुई है, तो यहाँ पूरा कंप्लीट होने पर कुछ अच्छा ही दिखेगा। यदि आप सिवनी जाएंगे बाय रोड तो यहाँ पे जरूर रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट हो गया है, इससे आपका फ़ोटो वगैरह अच्छा आएगा। जैसे कि आप नागपुर रोड में जाते तो सिमरिया का हनुमान जी का मंदिर है, वैसे ही एक और गणेश जी का मंदिर बनने वाला है, शायद वो परासिया रोड में बनने वाला है, तो वहाँ का भी हम ब्लॉग बनाएंगे। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। सनातन धर्म और शिवजी के भक्त हैं तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी, और इसके साथ ही आप वीडियो को देखते रहिए और हम आगे के अपडेट आपको अगली वीडियो में देंगे। जितने ज़्यादा लाइक होंगे अगली वीडियो उतनी जल्दी आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।